मेरा जो वीडियो था बिट्स पिलाने का कंप्लीट फी के बारे में, जिसमें मैंने बजटिंग करके बताया था कि अगर आप बिट्स पिलाने या बिट्स हैदराबाद या बिट्स गोवा से अगर आप बी करते हैं तो आपको कितना फी लगने वाला है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन क्वेश्चन आया वो ये कि भैया BIT मिसरा रांची का जो है उसके बारे में भी सेम वीडियो लेके आओ। तो आ चुका हूँ, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि क्या कुछ फी लगता है BIT मिसरा में, अकेडमिक्स में, हॉस्टल्स में, मेस में क्या कुछ खर्चा आता है। साथ ही साथ बताएंगे कि टोटल बजट कितना आपका होना चाहिए अगर आप यहाँ से BTech करने की सोच रहे तो, और साथ ही साथ बात करेंगे कि स्कॉलरशिप के थ्रू आपको कितना फी वेवर मिल सकता है और किन किन कैटेगरी में क्या कुछ फी वेवर मिलता है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि BIT मिसरा में एकेडमिक्स फी क्या कुछ जा रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करता हूँ इसका मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो एडमिशन फी की अगर मैं बात करूँ तो वन टाइम लगता है ये 17,700 रुपये का आता है। फिर कॉजन मनी जो कि वन टाइम लगता है बट रिफंडेबल होता है वो 10,000 रुपये का आपका लगने वाला है। ट्यूशन फी फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो आपको 1,31,500 रुपये का आने वाला है। अदर एडवांस पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो 16,000 रुपये आने वाला है। यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे होते हैं तब आपको 1,75,200 रुपये का जो फी लगने वाला है BIT मिसरा में। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एनुअली पर सेमेस्टर कितना फी लगने वाला है। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो पर सेमेस्टर ट्यूशन फी आपको 1,31,500 यानी कि 1,31,500 रुपये का आने वाला है और अदर फी जो है 16,000 रुपये पर सेमेस्टर आपको आने वाला है। और फिर सेकेंड ईयर में फी की बात करूँ तो ट्यूशन फी 1,45,000 पर सेमेस्टर आने वाला है और अदर फी 17,500 रुपये का आने वाला है। थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 1,60,000 रुपये पर सेमेस्टर आपका फी आने वाला है और 19,000 रुपये अदर फी आने वाला है। फोर्थ ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 1,75,000 जो है आपका पर सेमेस्टर फी आने वाला है, अदर फी की अगर मैं बात करूं तो 20,500 रुपये का आने वाला है। यानी कि टोटल ट्यूशन फी की अगर मैं बात करूं तो 12,23,000 रुपये का आने वाला है और अदर फी की बात करें तो 1,46,000 रुपये आने वाला है। यानी कि अप्रॉक्स बात करें तो 13,70,000 रुपये आपका जो है सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फी और अदर फीस जो है वो मिला के होता है। यानी कि एकेडमिक फी जो है आपका 13,70,000 रुपये का बैठ रहा। अब बात करते हैं कि हॉस्टल में क्या कुछ यहाँ पे फी लगता है। तो अगर मैं बात करूँ पर सेमेस्टर फी की तो हॉस्टल कॉजन मनी जो वन टाइम लगता है रिफंडेबल होता है वो 5,000 रुपये का आने वाला है। हॉस्टल चार्जेज पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो 19,000 रुपये आने वाला है। मिस एडवांस पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो 20,000 रुपये आने वाला है। आपका टोटल जो है जब आप हॉस्टल लेंगे तो 44,000 रुपये यानी कि 44,000 रुपये का जो है आपका फ़ी आने वाला। और हाँ, एक और बात, मेस में जो है खाना अच्छा मिलता है, अभी तक ज़्यादा कंप्लेंट नहीं आते। एक बात ये हो जाती है कि जो खाना होता है ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ नहीं पसंद आता। लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। आप इस चार्ट में देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस दिन क्या मेन्यू रहने वाला है सुबह से लेकर के रात तक का। और अब आपको जल्दी से जो है BIT मिसरा के एक बॉयज हॉस्टल के कुछ एक पिक दिखा देता हूँ। पहले आप पिक देखो फिर बजटिंग की बात आगे करेंगे। अब बात करते हैं कि BIT मिसरा रांची से अगर आप BTech करते हैं ना तो आपका बजट कितना होना चाहिए। आगे बात करेंगे कि स्कॉलरशिप के थ्रू आपको फ़ी वेवर कैसे यहाँ पे मिल सकता है अलग अलग कैटेगरी में। तो बजट की अगर मैं बात करूं, और हाँ बजट का मतलब ये होता है कि टोटल आपके पास कितने रुपए का एस्टिमेट होना चाहिए कि इतना रुपए मेरे पास है तो यहाँ से BTech मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। अगर मैं एकेडमिक फ़ी की बात करूं तो तकरीबन 14,00,000 रुपये का आपका एकेडमिक फ़ी आने वाला है। हॉस्टल और मेस चार्जेज की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 4.8 लाख आने वाला है। हाँ, इसमें एक बार और बता दूं कि हर एक जो है ईयर में हॉस्टल का रेंट भी बढ़ जाता है और पर सेमेस्टर जो है मेस के फ़ी भी बढ़ जाते हैं। वो सारे इंक्लूड करने के बाद तकरीबन आपके 4 साल में तकरीबन 4.8 लाख रुपये का फ़ी बैठता है। अदर एकेडमिक कॉस्ट की बात करें जो आप खुद पे करेंगे, चाहे आप नोटबुक खरीदने के लिए करें या कोई नोट्स खरीदने के लिए करें, जो भी आपका अपना एक्सपेंस है ना एजुकेशन पे, वो 1,00,000 रुपये आप लेके चलो, 1,00,000 रुपये बैठ ही जाएगा अगर आप। या और ये सब के सब टाइट बजट है, ऐसा नहीं कि बहुत खुला खुला बजट बना दे तो कुछ पैसा बचा भी लेंगे 4 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लैपटॉप की बात करो तो मिनिमम 60,000 रुपये का एक ठीक ठाक लैपटॉप आ जाता है, तो वो भी बजट में ही इंक्लूड हो जाता है क्योंकि उसके बिना आपका BTech तो चलना नहीं है। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आप 1,00,000 रुपये रखो ताकि जैसे एग्जाम फी हो गया या आप सेमेस्टर ख़त्म होने पे घर आओगे या जाओगे वो हो गया, और भी कुछ एक चार्जेस हैं वो सारे इसमें आपका कवर हो जाएगा।
तो अगर आप BIT मेसरा से BTEC करने की सोच रहे हैं तो आपका अप्रॉक्स टोटल कॉस्ट है 21 लाख से लेकर के 22 लाख रुपए तक बैठ जाएगा जी हाँ, 21 से 22 लाख रुपए तक का आपका बजट होना चाहिए अगर आप BIT मेसरा से BTEC करने की सोच रहे हैं तो। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको BIT मेसरा में अलग अलग कैटेगरी में फ़ी वेवर देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है ताकि उनका जो बजट है जो आपको 21-22 लाख रुपए का दिखता वो थोड़ा सा कम हो सके। तो अगर मैं जनरल या OBC कैटेगरी की बात करूँ तो इसमें कितना और कैसे मिलता है फ़ी वेवर, तो इसमें जी मेन के स्कोर के बेसिस पे जो आपको फ़ी वेवर मिलने वाला है, यानी कि जी मेन में रैंक के बेसिस पे आपको मिलने वाला है। तो 100% आपको जो है ट्यूशन फ़ी में फ़ी वेवर मिल जाएगा यहाँ पे अगर आपका रैंक 1 से लेकर के 1000 तक है जी मेन में। वहीं पे 75% आपको जो है ट्यूशन फ़ी में वेव ऑफ मिल जाएगा जब आपका जो जी मेन का रैंक है वो 1001 से लेकर के 2500 के बीच आता है। वहीं पे आपको 50% का जो है ट्यूशन फ़ी में वेव ऑफ मिल जाएगा जब आपका रैंक जो है 2501 से लेकर के 4000 तक रहने वाला। और ये सब के सब क्लोजिंग रैंक मैं बता रहा हूँ जी मेन के लिए। अब बात करते हैं कि SC ST कैटेगरी में कितना जो है फ़ी वेवर यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको 100% फ़ी वेवर मिल जाएगा जब आपका रैंक जो है 1 से लेकर के 5000 के बीच में रहने वाला है जी मेन में। वहीं पे 75% स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा, यानी कि ट्यूशन फ़ी आपको मिल जाएगा 5001 से लेकर के 15000 के बीच में अगर आपका रैंक है तो। वहीं पे आपको 50% का ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाएगा जब 15001 से लेकर के 25000 रैंक की कैटेगरी में आप आते हैं तो। और एक और बात, सिर्फ और सिर्फ आपको ट्यूशन फ़ी में वेव ऑफ मिल रहा है, बाकी के एक्सपेंसेस जो यानी बाकी के जो खर्चे वो आपको लगेंगे ही लगेंगे, ये आप माइंड मेकअप करके ही यहाँ पे एडमिशन लेना। और कॉलेज काफ़ी अच्छा है, रिव्यू जो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है चैनल पे तो वो जा करके आप चेक कर लो। और ये सारे PDFs आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम पे जाओ, क्या नूप सर्च करो और चैनल ज्वाइन कर लो।